इसे कोरोना का कहर मान लें या कोरोना के बहाने मजदूरों को निकालने का साजिश माने, इस वक्त मैं खड़ा हूँ देवास के इंडस्ट्रियल एरिया में और यहाँ पर ये फैक्ट्री है जिसे स्थमस नाम है इस फैक्ट्री का। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लिए पोषण आहार का निर्माण अब तक 10 साल से हो रहा था और इन 10 साल के दौरान यहाँ करीब 55-56 मजदूर यहाँ पर लगातार काम करते थे और अब उनको कहा जा रहा है कि फैक्ट्री बंद हो चुकी है क्योंकि यहाँ का टेंडर समाप्त हो चुका है, काम बंद हो चुका है। तो ये फैक्ट्री को बंद करने की घोषणा की गई है और सारे मजदूर जितने भी हैं ये सभी बेरोजगार होने जा रहे हैं और अपना हिसाब मांग रहे हैं, पेमेंट मांग रहे हैं और जो हिसाब भी है वो ठीक से नहीं दिया जा रहा है। इस वक्त इन सभी लेबर ने प्रबंधन को अंदर रोके हुए हैं और उनसे अपना हिसाब मांग रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि इस कोरोना काल के बाद जिस प्रकार से लगातार बेरोजगारी बढ़ी है और ये जितने भी मजदूर हैं यहाँ पे जितने स्किल्ड लेबर हैं ये सभी जब बेरोजगार हो जाएंगे तो आगे जाके भविष्य में ये क्या करेंगे। देवास लाइव के लिए सौरभ सचान। बस आधे गेट पे आधे बाहर खड़े रहो, इस साइड से खड़े रहो। यहाँ स्थमस इंडस्ट्री जो कंपनी है ना ये 1 महीने पहले बंद हो चुकी है डॉक्यूमेंट्स कागजों में। योगी सरकार जो यूपी उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वहाँ पे प्रोसेस जहाँ बाल मतलब जो जहाँ पे मतलब बाल भ्रष्ट आहार बनता था तो वो करीब 1 महीने से बंद है। यहाँ का आज हिसाब करने के लिए हमारे जनरल मैनेजर मोहित शर्मा यहाँ पे आए हुए हैं और हिसाब करने के लिए हम दो बंदे सबसे आगे थे। हम लोगों को सबसे पहले ऑफिस में बुलाया, बोले आपको 1 महीने के पेमेंट वो भी विद ग्रेस की मतलब बेसिक सैलरी पे दे रहे हैं और जो मेरा हक है 3 महीने के पेमेंट, 3 महीने की मुझे सैलरी प्लस मेरी ईएल और प्लस सीएल और प्लस जो मेरा भत्ता है रोजगारी भत्ता वो हमको दिया जाए पूरा। लेकिन उसमें वो एग्री नहीं हो रहे हैं, वो मान्य नहीं कर रहे, वो मना कर रहे हैं कि बोले बस लेबर कोड के तहत मैं 1 महीने का ही दूंगा, बोले जो कुछ करना है वो कर लो आप। प्लांट क्या पूरी तरह बंद होने जा रहा है? हाँ प्लांट पूरी तरह बंद हो चुका है। बस यहाँ पे कम से 54 बंदे हैं पूरा विद स्टाफ के सहित, सबसे कम बंदों में ये प्लांट चल रहा है। सब मुद्दा ऐसा सच कुछ नहीं है, पिछले 2-2.5 महीने से प्लांट बंद है। जहाँ पर हमारा माल जाता था उनको टेंडर ना मिलने के कारण उनकी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। अब जब उनकी बंद होगी तो जाहिर सी बात है हमारी भी बंद ही हो गई, तो इस वजह से हमारा प्लांट पिछले 2-3 महीने से बंद है। मगर तब भी जो भी एज पर लेबर एक्ट इनकी ग्रेजुटी कंपनसेशन बोनस और इनका लीव इन कैश प्लस इनका नोटिस पीरियड का जो पैसा बनता है वो सारा हम इनको दे रहे हैं। ये हमारी दिल्ली के अकाउंट्स की टीम है जो आई है इनका हिसाब करने, मगर इनकी मांगे एक्ट से भी अलग ही जा रही हैं। कुछ इनका कहना है कि हमें 1 महीने की सैलरी और दी जाए, कुछ लीव्स के पैसे दिए जाएँ, जबकि जो लीव्स इनकी जो लैप्स हो जाती हैं उन पैसों का कैसे दिया जाए, जबकि हम जो सीएल दे रहे हैं ईएल वो 15 दिन के पैसे दे रहे हैं।